और इसी के साथ हमने हमारा ट्रैक ऊपर तक कंप्लीट कर लिया है। हेलो गाइस, तो आज व्लॉग का शुरुआत हो रहा है काफ़ी जल्दी क्योंकि अभी बजे सुबह के 4:15 और आज हम जा रहे हैं पेब फोर्ट जो कि है माथेरान में। और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ आज है रौनक, हम दो हैं और आदि अभी स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। सो गाइस, हमने 4:36 की भाईंदर लोकल पकड़ ली है और हमारे साथ है आज। सो गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ नेरुल का टिकट मत लेना अगर आपको पेब फोर्ट जाना है, नेरुल का लेना, ठीक है, नेरुल का मत लेना। और प्लीज़ जो टिकट काउंटर पे जो लोग सोते हैं उनसे टिकट मत लेना, हमारे 70 रुपीज़ फालतू में वेस्ट हो गए। तो ध्यान रखना, नेरुल नहीं, नेरल ए। तो गाइस, हमने दादर से अब नेरल की ट्रेन ले ली है और करीबन हमको 1.5 घंटा लगेगा नेरल पहुँचने के लिए, बिकॉज यहाँ से सब स्लो ट्रेन मिल रही है सुबह और हर स्टेशन पे रुकेगी, तो 23 स्टेशन है तो काफ़ी टाइम लगेगा। सो गाइस, हम आ गए हैं नेरल जो कि है सबसे नज़दीकी स्टेशन माथेरान के, और अब हमने कैब ले लिए जिसका हमें कॉस्ट पड़ा है 80 रुपीज़ पर हेड जो कि आपका फिक्स रेट है टैक्सी का। तो आप लोग ये घाट का टाइम लैप्स एंजॉय करो इन 3, 2, 1। तो हम आ गए हैं माथेरान पे और माथेरान का जो आप गेट आपने देखा वहां से एक लेफ्ट आता है, वहां जाना है और आपको ये ट्रैक्स दिख रहे हैं, तो आपको ट्रैक्स पकड़ के सीधा सीधा चलते रहना है और आगे लैंडमार्क्स आएंगे वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको आगे कहाँ और कौन सा रूट लेना है, बिकॉज 3-4 अलग अलग रूट है। अब हमारी बात करें, हम लास्ट 1 घंटे तक गलत रूट पे चल रहे थे, हम वापस पीछे आए और वापस हम स्टार्ट से कर रहे हैं ट्रैक। तो आप ये गलती मत करना, फॉलो द ट्रैक ये रखना ही, क्योंकि हम लोग सोचे थे कि आगे ट्रैक आएगा, आगे से ट्रैक आएगा, बट ट्रैक आया नहीं, तो हम लोग पूरा वापस पीछे चल के और फिर ट्रैक से स्टार्ट करें वापस। और 50 रुपये नहीं है एंट्री फ़ीस के, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एंट्री फ़ी के 50 रुपये, कोई 50 रुपये नहीं है, तो आप पैसे मत देना, ठीक है, आगे मिलते हैं। तो थोड़े आगे चलते ही सब जंगल जैसी जो चीज़ें थी वो हट गई और अब एक अच्छा सा मेडोज़ वाला रीजन आ गया है जहाँ पे छोटी छोटी घास आ गई है, क्योंकि अब ठंडी का मौसम चालू होने वाला है तो छोटे छोटे सनफ्लावर्स भी आना चालू हो गए। सो ये बेस्ट टाइम है यहाँ पे आके ट्रैक करने का, बिकॉज ना आपको बारिश मिलेगी, ना आपको ज़्यादा धूप मिलेगी और ठंडी भी हम बर्दाश्त कर सके वही वाली ठंडी रहती है। सो आप ज़रूर आइए ये ट्रैक को एक्सप्लोर करने, क्योंकि छोटा सा ट्रैक है और मुंबई से बहुत करीब है, 2-3 घंटा लगता है घर से आने के लिए। सो आप डेफिनेटली आइए और ये ट्रैक ट्राई कीजिए, तब तक आप थोड़ा टाइम लैप्स और व्यू एंजॉय कीजिए। तो अभी हम लोग रुके थोड़ा ब्रेक लेने के लिए क्योंकि सब लोग थक गए, कॉन्स्टेंटली चल रहे और यहाँ पे वाटरफॉल से कुछ पानी आ रहा था, सब लोग थोड़ा हाथ मुँह धो रहे, फ्रेश हो रहे और अब हमें गणपति की मूर्ति दिखने लगी जो आपको मैं बताऊँगा अब थोड़े टाइम में, वो है सबसे पहला लैंडमार्क और वहाँ से हमें आगे जाना है। तो आपने देखा पीछे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक झाड़ कल बारिश हुई होगी तो टूट के गिर गया, लकीली साइड में थोड़ी स्पेस थी जहाँ से एक एक करके हर बंदा निकल सकता है, तो हम निकल गए। कभी आपके सामने वैसी सिचुएशन आ सकती है तो आपको खुद को आपके हिसाब से रास्ता बनाना पड़े, पर सो फार एवरीथिंग इज़ गोइंग सो गुड। अभी बजे है 11 और अभी और 1-1.5 घंटा हमें चढ़ना है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट लेवल जो हमें गणपति दिखे हम वहाँ तक भी बराबर नहीं पहुँचे। तो ये जो आप सामने देख सकते हो वो है आपका पहला लैंडमार्क जो कि गणपति की मूर्ति, और यहाँ पर एक फ्लैग और एक बेल है यहाँ पर, तो आपको ये लैंडमार्क ध्यान रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब हम आ गए हमारे सेकेंड लैंडमार्क की तरफ जो कि है और एक फ्लैग और घंटी, पर वहाँ से एक नीचे स्टेयर्स जा रहे हैं, वो स्टेयर्स आपको लेना है। तो गाइस, ये घंटी और फ्लैग है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकटगढ़ कहाँ पे आता है और यहाँ पे जो रास्ता है वहाँ से हमारे सारे दोस्त नीचे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं वहाँ बहुत ही स्टीप रास्ता है तो बहुत संभाल के जाना।
गाइस अब ये धीरे धीरे हम उतर, बहुत ही स्टीप रास्ता है, तो मैं वेट कर रहा हूँ और फिर व्लॉग ले रहा हूँ। तो आप भी अपना जो सेल्फीज और ये सब ले रहे हो, आप चालू कैंप में प्लीज़ मत लेना क्योंकि बहुत ही अनसेफ हो जाएगा ये। और रास्ते में एक छोटे छोटे बोर्ड मारे हुए कि विकटगढ़ फोर्ट कौन से साइड है, तो आप वो छोटे छोटे जो साइन बोर्ड है उसको फॉलो करते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, पर रास्ता बहुत अनसेफ है और बहुत छोटा है, तो आप प्लीज़ अपने आप का ध्यान रखना। तो गाइस बहुत ज़्यादा टफ है मैं बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं कर पाते प्लीज़ मत आना। खिल्ले वाले शूज देंगे तो लेके आना, यहाँ पे स्क्यूट होने वाले तुम एक करके जाओ। अब हम आ गए हमारे तीसरे स्टेज पे जो है फर्स्ट लैडर, देखने में काफ़ी पुरानी से लग रही है पर ठीक है, वजन सह सकती है। ये जो है वो है लैडर, आप कृपया करके बैठ के जाए, जिनको सेफ नहीं लग रहा है बैठो और जाओ, और जिनको सेफ लग रहा है उल्टा घूमो और जाओ, और यहाँ से तो और नीचे जाना है, और ये कुछ इस प्रकार है, ये खाई नीचे, मतलब अगर आप यहाँ से बिल्कुल भी हिले तो आप सीधा नीचे जाओगे। तो गाइज हमने जो फर्स्ट पैच है जो यहाँ से आ रहा है वो कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही नैरो रास्ता था, बहुत ज़्यादा, मतलब आप पीछे ये साइड गिरे तो आप सीधा खाई में गिरोगे वैसा रास्ता था। तो ये पहला पैच कंप्लीट हो गया, वहाँ पे दूसरे पैच की तरफ जा रहे जो है दूसरा माउंटेन जो दो माउंटेन को कनेक्ट कर रहा है वो रास्ता है, यहाँ पे काफ़ी टफ था, जो पहली बार आ रहे उनके लिए तो काफ़ी टफ था। हम लोग आ रहे हो तो आ जाओ, बट आ रहे हो ना तो पूरा जो पैच है बैठ के क्लियर करना, अगर बैठ के क्लियर नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। हम सब ने भी बैठ के ही क्लियर किया, सो आगे अभी हम रास्ता देख रहे क्योंकि आगे का रास्ता इससे भी ज़्यादा स्मॉल और नैरो है, देखते। बहुत ही कठिन रास्ता था ये, जंगलें थी बीच में मैन वर्सेस वाइल्ड, कैसे आगे खाली तीन लोग दिख रहे जो हमसे पहले निकले थे, बहुत ही खतरनाक पैच है भाई, बहुत ही खतरनाक पैच है, मज़े बहुत आ रहे हैं, मज़े तो करते ही। तो अब हम हैं सेकेंड और थर्ड पहाड़ के बीच में, और ये डेंजरस पर ब्यूटीफुल व्यू है, ये साइड ये पूरा पहाड़, ये साइड ये पूरा पहाड़, और बीच में हम लोग खड़े हैं, हमको फिलहाल ये वाला रास्ता नीचे जाना है और सीधा ऊपर जाना है, मज़े आ रहे हैं, पीछे आ रहे सब लोग। तो गाइस जो हॉल्ट लिया था वो अब ख़त्म हो गया है, अभी हम वापस हमारा ट्रैक शुरू कर रहे हैं, 20 या 25 मिनट का ही रास्ता भी बाकी है, तो अभी डायरेक्ट मिलते सीधा विकटगढ़ पेब फोर्ट पे। फाइनल मोमेंट्स बिफोर दिस ट्रैक इज़ कम्प्लीटेड, लास्ट एक स्टेयर आता है, बस वो चढ़ना है और सामने ही आपको दिख जाएगा मंदिर जो कि है पेब फोर्ट या विकटगढ़ फोर्ट। विकटगढ़ सच में बहुत विकटदायक है क्योंकि रास्ते बहुत छोटे छोटे हैं, चढ़ने में बहुत हालत ख़राब होती है, सोलो ट्रैवलर्स किसी को तो साथ में लेके आना जो सोलो ट्रैवल करते हैं, बाकी तो व्यू मेसमराइजिंग ब्यूटीफुल, वर्थ इट चढ़ने का, बिकॉज ऊपर से सेंट्रल साइड की काफ़ी सिटीज ऊपर से क्लियर दिखती है। बस अब फाइनल कुछ मोमेंट्स ये रहे, यहाँ जो है ऊपर बस वही है विकटगढ़ फोर्ट, ये वो फाइनल सीढ़ी है और सामने मंदिर है, और ये है व्यू, वो सामने वाले पहाड़ पे कहीं दूर हम लोग थे जब हम चल के आए, और इसी के साथ हमने हमारा ट्रैक ऊपर तक कंप्लीट कर लिया है। ये है व्यू,
ये है मंदिर, दैट्स इट, एवरीवन एल्स कमिंग इन. सो फार सो वेरी गुड. सो गाइस अभी 1:20 हो रहे हैं. एक्चुअली हमने 10:20 को चढ़ना चालू किया था, 12:30 तक हमने चढ़ा, फिर 1:20 तक ब्रेक लिया. अभी 1:20 को हम उतरना चालू कर रहे हैं, देखते कितने टाइम में पहुंचते. मोस्टली 1-1.5 आवर लगना चाहिए, बट फिर देखते, कोई भी गलत या गंदा पैच आएगा तो ही हम फिलहाल ब्लॉक करेंगे, क्योंकि आते वक्त तो रास्ता हमने सब बता दिया, जाते वक्त सेम रूट लेंगे. सो अभी देखते. तो हम आ गए नेरल स्टेशन, और जो हमारे पीछे ये है माथेरान की टॉय ट्रेन. और हमने ज़्यादा व्लॉग नहीं किया क्योंकि हम जो रूट से गए थे वही रूट से वापस आए, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि किसी की एनर्जी नहीं बची थी. ऑलरेडी हम पानी में भी शॉर्ट पड़ गए, हमारे पास बहुत पानी नहीं था, तो सब धीरे धीरे करके आ गए. तो हमको कुछ 1.5 घंटा लग गया उतरने में, और फिर हम सीधा स्टेशन आ गए, एक टैक्सी ले गए. तो अब यहाँ व्लॉग कर रहे हैं. इट वॉज़ अ वेरी नाइस ट्रिप, बहुत मज़ा आया, स्मूथ गया, किसी को भी कुछ लगा वगा नहीं, एकदम स्मूथ था. बस थोड़ा टफ था जाना, तो अगर आप भी आ रहे हो तो थोड़ा विल पावर साथ में लेके आना, क्योंकि वो बहुत ज़रूरत पड़ गई. और हो सके तो पूरा बॉडी कवर करके आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंसेक्ट रहते हैं, और झाड़ जो रहते हैं वो एकदम नज़दीक रहते हैं, आपको लग सकता है कुछ भी, और बहुत शॉर्ट रास्ता है तो झाड़ आगे पीछे आते रहते हैं. तो आप ट्राई करना कि आपकी फुल बॉडी को कवर करो. और हमारा टोटल खर्चा एकदम एक्सट्रीम तक जाके, खाना पीना छोड़ के, टैक्सी का 80 रुपीज़ पर हेड होता है जाने के लिए और 80 आने के लिए, तो 160. और हम भाई ने साथ है तो हमारे टिकट का रिटर्न टिकट 60, तो 220 रुपीज़ हमारा खर्चा हुआ ओनली. और ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट ट्रैक था जो मुंबई से बहुत नज़दीक है, तो आप सब ज़रूर ट्राई कीजिएगा. थैंक यू.